अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर टू का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब हम पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, उनको ज़रा हम लिख लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास, अगर मैं इधर लिखूं तो आपके पास हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, हाली ने की आपसे फरियाद, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स नहीं, मतलब मेटल से नहीं मिलती, वो मेटालिक नेचर का नहीं है। तो इसलिए हम जब एस ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली जो दो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, एक है अल्कली मेटल्स और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी That is alkaline earth metals। मतलब हम S block के अंदर दो तरह के metals को discuss करने वाले हैं, एक का नाम है alkali metals और दूसरे का नाम है alkaline earth metals। अब alkali metals के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं? alkali metal के अंदर आपका आ जाता है सारे का सारा first A, सारे का सारा क्या आ जाता है? first A elements। फर्स्ट ए के वो एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं, मतलब उनमें आपके पास फिर जाहिर सी बात है हाइड्रोजन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सारा का सारा फर्स्ट ए एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ये दूसरी बात, एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्कली मेटल। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो सारे का सारा आपके पास जो सेकेंड ए है दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेसिकली आपके पास फर्स्ट ए के अंदर आपके पास क्या चीज़ें थी? फर्स्ट ए के अंदर आपके पास चीज़ें थी हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये था आपके पास आपका फर्स्ट ए। और सिमिलरली सेकेंड ए में क्या था आपके पास? बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे। अच्छा, सीजियम के बाद एक और एलिमेंट भी है दैट इज फ्रांसीन। अच्छा, अब पहले तो बात ये करते हैं कि अल्कली मेटल को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली अल्कली का जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है ये अरेबिक है। ये कौन सा वर्ड है? ये एक अरेबिक वर्ड है और इस अरेबिक वर्ड का मतलब होता है एशिस। क्या मतलब होता है? एशिस। एशिस किसे कहते हैं? एशिस कहते हैं राख को। एशिस किसे कहते हैं? राख को। क्योंकि जो अरब के लोग थे उन्होंने ये देखा कि जब वो किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी जो एशिज होती हैं या राख होती है उसके अंदर उनको बड़ी अमाउंट के अंदर ये कुछ मिल रहा था। और उनमें वो क्या कुछ मिल रहा था? उनको सोडियम मिल रहा था, उनको पोटाशियम मिल रहा था। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये आपके पास जो चीज़ें हैं ये राख के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एशिज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उन्होंने फिर इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया? अल्कली मेटल्स। तो ये इसका नाम जो रखा गया ये बेसिकली इसी बेस पर रखा गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब इनको अल्कलाइन और अर्थ दो वर्ड्स दिए गए हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अल्कलाइन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास ये कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं? ये आपके पास अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, या फिर ये मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं? बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। और जिनकी पीएच किससे ज्यादा होती है? जिनकी पीएच होती है ग्रेटर देन 7। तो ये इनकी प्रॉपर्टी, इस वजह से इनको वर्ड दिया गया अल्कलाइन। अर्थ क्यों कहा गया? क्योंकि दे आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ। ये आपके पास जब भी आपको मिलेंगे वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। तो इसको अल्कली इसलिए कहा गया कि ये एशिज हैं, राख के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मेटल्स हैं आपके पास ये ज़्यादातर आपके पास अर्थ क्रस्ट में होती हैं। और इनकी नेचर क्या है? बेसिक, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो। तो इस वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनका नाम अल्कली मेटल। चलें अब आगे मूव करते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इनकी अबंडेंस की बात करूं लाइक फर्स्ट ए में, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.4% अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो ये भी तकरीबन 2.4% अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो आपके पास है फ्रांसियम, ये आपके पास नेचुरली अग्री नहीं है, ये हमने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। ये साइंटिस्ट के तरफ से आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया गया है जिसे हम आज फ्रांसियम के नाम से जानते हैं। और ये आपके पास हाईली अनस्टेबल है।
ये क्या है आपके पास हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से आप इसको ज़्यादा रिएक्शंस के अंदर या ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि आर्टिफिशियल बनाया गया। तो ये हो गया आपके पास आपका फर्स्ट डे। अब थोड़ा सा सेकंड डे में बात कर लूँ, सेकंड डे में आपकी बुक में परसेंटेज किसी चीज़ की नहीं है तो आपको भी जरूरत नहीं है। सेकंड डे में मैं पूछ लूँ, मतलब आपको बताना ही चाहूँ कि कौन मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ में, तो सेकंड डे में आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपके पास मोस्ट अबंडेंट है इन अर्थ, इन मतलब अल्कलाइन अर्थ में से सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन है, वो आपके पास ये दो हैं, एक का नाम है कैल्शियम और दूसरे का नाम है मैग्नीशियम। और अगर मैं रेडियम की बात करूँ, रेडियम रेडियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो नेचर होती है रेडियम की वो रेडियो एक्टिव होती है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपके पास हो गया बेसिक इनका कि ये क्या है। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि आपके पास एल्पी मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एसमेंट होती है, लाइक आपके लिथियम के भी चेक कर लेते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ऑर्बिटल के अंदर एंड होती है। लाइक अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दूँ तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s1, तो मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो एस ऑर्बिटल में है। सिमिलरली अगर मैं आपके पास ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दूँ तो वो क्या होगी, 1s2 2s2, मतलब इनके जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और वो एस में है, और इनके भी दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो भी किस में है, एस में, इस वजह से हम इसको एस ब्लॉक कर रखते हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो जब ये लॉस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं तो ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के आपके पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपके पास, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बटे अल्कली मेटल्स के आपके पास हमेशा होगी प्लस वन, हमेशा क्या होगी प्लस वन। और अगर मैं यही कहूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होगी तो वो होगी आपके पास हमेशा कितनी भाई प्लस टू, वो हमेशा प्लस टू और ये हमेशा क्या होगी प्लस वन। चलो ये आपके पास होगी, मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी मेटल्स हैं ये मेटल्स जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जो उनके आउटर मोस्ट शेल में है एक ही तो है, और खुद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एम प्लस वन में, और ये मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लाइक एम प्लस टू में। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हम ये कह सकते हैं, और वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी का हमें ट्रेंड पता है कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना बड़ा आसान है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना बड़ा आसान है। तो एस ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी जहन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, सबकी ही कम होती है। अब इससे क्या होता है, याद रखिएगा अगर किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा क्या बात याद रखनी है कि वो हमेशा हमेशा कोशिश करेगा कि वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाए। तो अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ए की और सेकंड ए की अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो है तो ज़्यादातर ये आयनिक कंपाउंड्स बना के ही रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो हमने इसको ही पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो अब ये तो चलो हो गया इंट्रोडक्शन इनका, अब इनकी अक्रेंस और ओवर्स कौन से हैं, अक्रेंस भी बेसिकली यहाँ पे डिस्कस हो गई थोड़ी, काफ़ी एमसीक्यूज है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं अच्छे तरीके से कीजिएगा, जो रेड में खासतौर पे मैंने लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं ओवर्स पे। अच्छा ये ओवर्स मैंने सर आपने सारी लिख दी है बट ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पास पेपर उठा कर देखें, चैप्टर टू के नोट्स अपलोड किए हुए हैं वो नोट्स उठा कर देखें, उनमें जितने भी मैंने लिखे हैं वो सारे आ चुके हैं, और एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है पूरा और वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है, तो इसलिए ये हमें याद करने पड़ेंगे। लाइक लिथियम की एक ही और है एट स्पोटोमीन, तो आपको ये याद होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट तरीन है उनको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा अब इसमें सोडियम की तीन और तो बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक आ चुकी है हेलाइट NaCl, दूसरी आ चुकी है नेट्रॉन, तीसरी जीलिसार्ट, अब ये तीन और बहुत दफ़ा पास पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन असल में होती है बच्चों को, नेट्रॉन सोडियम कार्बोनेट है वाटर के साथ और चीरी आर्टर सोडियम नाइट्रेट है,
ठीक है ना। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। लाइक उसके बाद बोरेक्स भी है, ट्रोना भी है। बोरेक क्या होता है, सोडियम का साल्ट है बेसिकली, और इसी तरह से ट्रोना जो है वो सोडियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट और वाटर के साथ आपके पास सोडियम का एक और है। अब पोटाशियम के अगर हम देखें तो पोटाशियम के अंदर जो बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है बॉडी के अंदर, वो है आपके पास ये वाला सिल्वाइट, बहुत दफ़ा आया हुआ है। एमसीक्यूज में जो बहुत दफ़ा आ चुका है वो आपके पास है ये, दैट इज कार्बोनेट पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O विद 6 वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दो बहुत दफ़ा आए हैं। एलुनाइट क्या होता है, पोटाशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये दो इसमें से बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आपने बड़े अच्छे से करना है। तो फर्स्ट ये में से आपको लिथियम के ये एक कम अज़ कम, और ये सोडियम के तीन, और ये दो, ये आपको लाजमी पोटाशियम के याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे इस दफ़ा भी आएंगे। अब बेरिलियम पे आ जाओ, सॉरी सेकंड ए पे आ जाओ। सेकंड ए की आपके पास अक्रेंस की अगर मैं बात करूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, अब इसमें आपके पास भी आपके पास आए हुए हैं काफ़ी दफ़ा, लाइक ये एमसीक्यूज के तौर पे बहुत दफ़ा आ चुके हैं ये दोनों, ये चायरोमिसाइल और बेराइल और बेराइल, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज के तौर पे आए हुए हैं, बहुत दफ़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैग्नीशियम की अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं, लाइक मैग्नीसाइट है, ठीक है, लाइक डोलोमाइट है, डोलोमाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एप्सम साल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किया, सोप्सपॉन और एस्बेस्टस, ये सारे ही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैग्नीशियम की तो और सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप कैल्शियम के अगर आप पर आए हम, तो कैल्शियम में आपके पास ये जिप्सम बहुत दफ़ा आ चुका है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू और कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट है सिंपल, ये याद रखिएगा। इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड को कहते हैं, फास्फोराइड, कैल्शियम फास्फेट को कहते हैं, और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्शियोनाइट क्या है, ये तो फौरन से पता चल जाता है, बस ये याद रखें एक कार्बोनेट है और दूसरा क्या है, सल्फेट है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कम अज़ कम उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपको चलिए क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, मुझे कन्फर्म कर लेने दें क्या वही था जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, की था फार्मूलाज ऑफ फ्यू मिनरल्स गिवन बिलो, तो वो आपके ये फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चार टॉपिक बाकी हैं, एक का नाम है लिथियम का बिहेवियर, दूसरे का नाम बेरिलियम का बिहेवियर, और दो सेल, एक डाउन सेल और दूसरा डायग्राम सेल, और चारों लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चैप्टर अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये तो मुफ्त के नंबर हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बहुत छोटा बहुत शॉर्ट चैप्टर है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।